एक सेकेंड मैडम, थोड़ा ना ठंडे दिमाग से सोचते हैं. हाँ देखिए, इनकी ड्यूटी आवर्स क्या है? 9 to 5. हाँ वेरी गुड. 9 से 5 है ना. उसके बाद अगर ये वड़ा पाव बेचना चाहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी बात है ना. मैं तो कहती हूँ कि हम सबको भी वड़ा पाव कैसे बेचते हैं वो सीख लेना चाहिए, क्योंकि इस थाने के जो ग्रह है ना वो अच्छे नहीं चल रहे हैं. बहुत जल्दी हम सब भी इस थाने से बाहर होंगे, तो सर्वाइवल के लिए हमें थोड़ा धंधा पानी सीखना पड़ेगा. हमारे फ्यूचर का सवाल है मैडम. सही कह रही हूँ ना मैं? क्या बात है सफीती की चमकार, मेरी तरफ से 1 महीने के सिंगाड़े तेरे को मुफ्त. इसीलिए तुमको कहते हैं कि नहीं रहना है. समझो हमारी बात को, तुम्हारा दिमाग का भी चूरन हो गया है बिल्कुल उनकी तरह. समझो. एक मिनट, ये कौन है, किसके साथ नहीं रहने के लिए कह रही हैं आप? ये आप हैं. आपके साथ रहने के लिए नहीं कह रहे हैं, जो बिना सर पैर का बात करती है. हम बिना सर पैर वाली बात करते हैं. हाँ. हम करते हैं काम की बात. आखिरी बार कब काम का बात किया था आपने, बता दीजिए हमें. क्या वो नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है. आएगा पुष्पा जी, याद आएगा. वो अगले जन्म में याद आएगा, कि इस जन्म में तो किया ही नहीं है कोई बात. देखिए आप. ए, तुम सास बहू का रोज कह रहे, ये मेरे को अच्छे से याद है. देखो इस सफेदी की चमकार ने बात एक नंबर बताई है. क्या आइडिया है रे. अरे सुबह से लेके शाम तक ड्यूटी, उसके बाद रेकड़ी, प्रॉब्लम सॉल्व. कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता यहाँ पे. कोई रेकड़ी वेकड़ी भार नहीं लगेगा थाने के आगे. समझो, थाने की इज्जत है, कोई हसीना मैडम की इज्जत है. बाहर तुम बड़ा भाव बेचोगी, बात खत्म होता और काम पे लगी सब. चलिए हम याद दिलाकर ही रहेंगे. क्या काम की बात? इस सफेद के चमकार, उर्मिला महादेव मात्रे कौन है? हवा. तो किसी के रोकने से नहीं रुकेगी. मैडम सर, मैडम सर कहाँ गए? मैडम सर किधर गई? मैडम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या है बदनाम भाई, गांव गए हुए हैं तो दुकान में आधा हिस्सा हमारा, तो चाय लेकर हम आए तो मैडम सर दिख ही नहीं रही हैं. हाय मैडम सर. संतू जाके देखो रेकड़ी है क्या बाहर. हम आओ. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं है ना मैडम सर, जाओ कटो. ठीक ओके. भागो. ये नहीं सुधरेगी ना, इसको मना किया था ना. शांत हो जाइए. हम कह रहे हैं ना, देखो अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है ना. हम कब से कह रहे हैं कि ये मैडम सर नहीं है, ये उर्मिला महादेव मात्रे ही है. अब जिसका जो स्वभाव है उसी तरीके से बर्ताव करेगी ना वो. हमें नहीं फर्क पड़ता उसका क्या स्वभाव है क्या नहीं है. उसका इस बेवकूफ वाली हरकत की वजह से मैडम सर का इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा, जो हम नहीं होने दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं होने दे सकते. उसको ढूंढना होगा. क्या प्रवचन सुनते रहेंगे क्या सब हमारी? चलिए हमारे साथ ढूंढिए उसको. चलिए आइए आइए, खाइए गर्मा गर्म बड़ा पाव, विटामिन बड़ा पाव. सुनाओ अब उर्मि. हाँ आओ, यहाँ आओ. किधर पैसा? क्या तमाशा लगा रखा है तुमने उर्मिला? मैडम सर के नाम रुतबे का कुछ तो लिहाज करो तुम. क्या लोग इज्जत करेंगे क्या हमारी मैडम सर का, तुम्हारे ये बकवास हरकत देख के? हाँ नाच गाना चला रखा है तुमने बीच सड़क पे सबके सामने. अरे तो धंधा और कैसे करने का, जब तक उर्मिला नाचेगी नहीं तब तक पब्लिक आएगी नहीं. तुम लोग मेरे को देते हो दिन का 2500, तो मैं 9 से लेके 5 बजे तक फुल टू हसीना मलिक का एक्टिंग करेगा, बैठेगा और तुम्हारा काम करके देगा. लेकिन 5 बजे के बाद मैं है उर्मिला महादेव मात्रे, मैं लगाएगा अपना रेगड़ी. और बेबी इतनी दूर लगा रहे रे, कौन जानता है इधर कौन आ रहा है इधर. टेंशन नहीं लेने का, संतुलन बना के रखने का, दिमाग का चूरन मत करना. आप जरा यहाँ आइए तो सही. जा पते की बात बोलेगी वो. देखिए हम क्या कहते हैं, इसको जो करना है करने दीजिए. अच्छा कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी उसको भेज देंगे वापस मुंबई. और हमको तो लगता है ना वो ये ऐसी हरकतें जितनी करेगी ना उतनी ही जल्दी उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी. तब तक थोड़े दिनों के लिए शांत रहिए. हो गया क्या? हाँ हो गया. मान गए? चलो अब आओ दोनों मस्त मेरी रेकड़ी का गर्मा गर्म वड़ा पाव खा. अरे पहला दिन है आज. नहीं हमको नहीं खाना. अरे चलो यार. अरे हटो रे. ए हट चल. ए गर्मा गर्म बड़ा पाव ला रे. ए गे माता रे. अरे घे की माता रे. क्या कर रही? नहीं मैं हमको नहीं खाना. ऐसे बोली मत. इनको हम खिलाते हैं, हम खिला देंगे. हाँ लेके जाए एक बाद में और खाने के लिए. अरे क्या चल. आओ गर्मा गर्म बड़ा पाव.
मस्त है। चल फटाफट सब पैक करो, निकल आज का तेरा। अरे वड़ा पाव खत्म हो गया? ए, चिकने खत्म हो गया रे कल आने का। चिकना लड़का दिखाने की गिनती भूल जाती है उर्मी। चोर! मेरा मंगलसूत्र! चोर को पकड़ो, मेरा मंगलसूत्र छीन के ले गए, कोई पकड़ो! कोई पकड़ो उन्हें! मेरा मंगलसूत्र छीन के ले गए! क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? मंगलसूत्र छीन के ले गए! सोने का था? अरे येड़ी, आज के जमाने में सोने की दुकान बन के कौन घूमता है रे? अरे पहनने का तो मेरे जैसे ऐसा नकली पहनने का ना। देख आजकल के चोर लोग ना बहुत स्मार्ट होते हैं, चमक देख के बता देते हैं कि असली की नकली। चल चल अभी रोना बंद कर, अच्छा हुआ चेनी लेके गए, तेरे को लेके जाते तो तू सोने से काम है। मैं क्या करूँ, घर में तो सब लोग मुझसे झगड़ा करेंगे, डांट पड़ेगी मुझे, मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा ठीक है एक काम कर, सबसे पहले तेरे घर के नजीक जो भी पुलिस स्टेशन है उधर जा, जितनी जल्दी रिपोर्ट लिखाएगी उतनी जल्दी कार्यवाही होगी और उतनी ही जल्दी मुजरिम पकड़ा जाएगा। सही कह रही हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ। थैंक यू। हाँ जा। ये क्या हो रहा है अपने साथ, ऐसे पुलिस की भाषा में काय को बात कर रही है? मैं पुष्पा जी, घर पे तो आप इन्हें डेफिनेटली नहीं छोड़ती होंगी, कम से कम थाने में तो छोड़ दीजिए, सीनियर है वो। बताइए क्या दिक्कत हो गया, ताहे ऐसे चमड़ गई है भूत की तरह हमारे ऊपर, बताइए। वो आज लल्ला के ताऊ जी और ताई जी आ रहे हैं ना, तो छुट्टी चाहिए? नहीं नहीं पुष्पा जी, पॉसिबल नहीं आज, हमें छुट्टी नहीं चाहिए। नहीं जी, तो हम कह रहे थे कि कल सुबह वो जल्दी चले जाएंगे, इसलिए आज हम थोड़ा जल्दी जाए। तो बताओ भैया, इतना सा बात के लिए पूरा सृष्टि घूमी है पुष्पा जी आज। पुष्पा जी कब सीखेंगे आप सीधा सीधा बोलना? क्या है, हमारे पीछे क्यों पड़ी हो तुम, तुम्हें काम नहीं है अपना? मैडम मेरा मंगलसूत्र मिला क्या? मैंने घर वालों से भी झूठ बोला है कि उसकी चेन टूट गई थी, मैंने ज्वेलर्स को बनाने के लिए दिया है। मैडम प्लीज बताइए ना, कुछ पता चला क्या मंगलसूत्र का? नहीं नहीं नहीं, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, पुलिस का भी अपना तरीका होता है ना केसेस हैंडल करने का, हमने एक्टिवेट कर दिए सारे नेटवर्क्स। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सीसीटीवी फुटेज हमने देखा था लेकिन उसमें कोई जानकारी मिली नहीं है, आप ये बताइए कि जब आपके साथ ये घटना हुई थी तब आसपास कोई था जिसने ये सब देखा, जिससे हमें लीड मिल सके? क्या बोलती पब्लिक? अरे ये है ना विटनेस, जब मंगलसूत्र चोरी हुआ ये वहीं थी। आप पुलिस वाली हैं? नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा अपनी आंखों से, मेरे को फालतू पुलिस भीड़ के लपट में फंसाने का नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे ये क्या बात कर रही हैं आप, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप पुलिस वाली ही हैं ना? अरे है, 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 है। वो पुलिस वाली ही है। हाँ। वो नहीं तो आपको क्या लगा ये नकली पुलिस है और हम इन्हें दिन के 2,500 देते हैं ऐसे ही, मतलब नाटक करने के लिए? नहीं नहीं, ये असली पुलिस वाली है। हमारी SHO मैडम है, वो थाना प्रमुख है, थाना प्रभारी। जय हिंद मैडम। हाँ जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। अगर इन लोग को पता चल गया कि मैं होश में आ गई तो फिर से झपट्टा मार के बारे में पूछ के परेशान कर देंगे। पड़ी रहे उर्मी ऐसी पड़ी रहे बेहोश। आप हमारे संपर्क में रहिए, आपका मंगलसूत्र आपको मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ मेरे घर वालों को पता चलने से पहले मेरा मंगलसूत्र मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, जल्दी मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जाइए, हम आपको कॉल करते हैं, ठीक है? मम्मी वो इतना क्या मारू, भर के मारू ना। मैं कौन है, मैं किधर है, मैं क्यों? उर्मिला की भी यहाँ तक गई मैडम, क्या बुलाएंगे हम इसे? अरे नहीं नहीं, नौटंकी कर रही है, चेहरा तो देखो ड्रामा कर रही है। अरे मैं ड्रामा नहीं कर रही है, मेरे को सच्ची एक मिनट, क्या हुआ तुमको? मुझे सच्ची समझ में नहीं आ रहा है कि किधर है, क्या हो रहा है, सर दुख रहा है, मेरी हालत खराब होती जा रही है।
वो दिख रहे हैं ना उधर, आप कैमरा की नजर में, वो मेरे को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, सब ऐसा धुंधला धुंधला होता जा रहा है, मेरे को लग रहा है मैं धीरे धीरे अंधी होती जा रही है। अरे अरे तू माता रही है ना, हाँ, हाँ। सफेदी की चमकार, अरे हंटर वाली, अरे देवा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। बच गए रे बाबा, पढ़ने का ही नहीं है मेरे को ये फालतू के चक्कर में, कुछ नहीं देखा मतलब नहीं देखा ना, फालतू सवाल पे सवाल। देखा उसको सच में दिखाई नहीं दे रहा। इसकी मैया की सासू मैया, क्या शान 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 क्या कर रही है आप? शान नौटंकी कर रही है वो, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सुनिए ना, हम कह रहे थे कि आज शाम को हम थोड़ा जल्दी, एक मिनट रुकिए, शाम को जल्दी जाना है, किसी को वो करना है, किसी को दिखाई नहीं दे, दिमाग मत खराब कीजिए अभी। हेलो जय हिंद सर। अरे भाई हसीना मलिक जी कहाँ है? सर यही यही। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं, हसीना मलिक जी को लेकर हेडक्वार्टर आ जाइए, आप लोगों से कुछ बात करनी है। जी सर तुरंत पहुंचते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। इस हाल में डीएसपी सर के सामने कैसे लेकर जाए उर्मिला को? इधर आओ बैठो, मसाज कर देते हैं, खाते में पैसे लिख लेंगे। और कोई टेंशन हो तो हमें बताओ, हम सॉल्व करेंगे। तुम मदद करेगा हमारा, जानता है कितना प्रेशर है हमारे दिमाग पर, कितना टेंशन लिए घूम रहा है हम यहाँ पर, जानता है तुम महिला पुलिस थाना पर कितना बड़ा आपदा आया हुआ तुमको मालूम है? अरे उर्मिला मैडम सर का यादाश्त वापस नहीं आ रहा है, करिश्मा मैडम टेंशन में घूम रही है, हमको उनका यादाश्त वापस लाने के लिए कुछ करना है, करिश्मा मैडम का प्रेशर हल्का करना है, तुम क्या कर रहा है? बकवास करते हैं, हम मदद करते हैं। पोपट पंची, किसी दिन पंची बिरयानी बनाऊंगा मैं तुम्हारी। अरे वो क्या सिंगाड़ा है क्या, लेके आ गए, यादाश्त है वो, टाइम लगता है, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। हम याद आया, अरे नहीं हमें कहानी याद आई। कहानी सुना? सुनो, हमारे दूर के फूफा जी थे, उनकी यादाश्त चली गई थी, वो मेले में हमें घुमाने ले गए, भूल आए। तुमको भूल है? नहीं नहीं हम उनको भूल आए। उनका यादाश्त कैसे कमजोर हुआ? नहीं, तुम्हारा हुआ ना? नहीं, नहीं यादाश्त उन्हीं गई थी, लेकिन हमको उनसे पीछे छुड़ाना था ना, तो हम उनको भूल आए, बाद में वो भूल गए, अब साइकिल स्टैंड पे मेले में टोकन बांटते रहते हैं। तुम चाहते क्या हो? मैडम सर को मेले में छोड़ दे, टोकन बटवाए? नहीं नहीं नहीं, ये तो हम कहानी बता रहे थे, हमने सुना है कि जहाँ पे चोट लगने से याददाश्त चली जाती है वहीं पे दोबारा चोट लगे तो याददाश्त वापस आ जाती है, तो वो आइडिया बता रहे थे। तुम वापस क्या चाहते हो? मैडम सर की जहाँ चोट लगी थी वहाँ वापस मरी? मार सकते, ये मेरा आइडिया काम करेगा? हमारा है, हमारा आइडिया है। हाँ हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर अतीत का कोई विशेष व्यक्ति अचानक से सामने आ जाए तो याददाश्त आने की प्रबल संभावना है। अतीत का विशेष व्यक्ति कौन हो सकता है? रखो उसको, रखो। अम्मा तुम हसीना मलिक हो, थोड़ा तो उनके नाम का मर्यादा रखो, तुम्हें क्या हरकत तुमने की हुई है, बदतमीजी है ये। तुम फिलहाल डीएसपी सर के ऑफिस में, एक तो ऐसे नहीं बैठती हसीना मलिक, बार बार एक चीज नहीं समझा सकते, तुम्हारे भेजे में कुछ घुसता नहीं है क्या? तमीज में रहोगी, और हाँ जब वो आएंगे तो जहन और ये कैप ठीक करो, सीधी करो उसको, सीधी करो। आ गए, खड़े हो, जहन 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 सर, जहन तो पानी 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 पीछे से पानी पीछे। तो खाओ मत। आ भाई बैठिए, आप लोग बैठिए जी। सर हम आ सकते हैं? आइए आइए आइए। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। अरे बैठिए आप लोग बैठिए, अब कोनो दिक्कत नहीं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, बैठिए दिक्कत नहीं। जी सर बताइए, कैसे याद किया आपने? अरे भाई इनके खिलाफ कम्प्लेन है, हम सब जानते हैं। मैडम सर के खिलाफ कम्प्लेन है? कैसा कम्प्लेन? अरे कैसी बात कर सर, सर 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 हम बताएं सर, हम बताते हैं, कहा कि हसीना मलिक जी के खिलाफ जो है कम्प्लेन है, ये शिकायत है कि वो अपना ड्यूटी निष्ठा और ईमानदारी से नहीं ना निभा रही है, अपना पद का अपना वर्दी का दुरुपयोग कर रही है वो। अरे SHO होने के बावजूद आप सारे आम चौराहे पे वड़ा पाव बेच रही हैं। फोटो दिखाते हैं हम, हाँ ये देखिए, ये देखिए, इस तरह के फोटो खींच खींच के लोग सारा पुलिस विभाग में भेज रहे हैं, कितना लज्जा का विषय है ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सर, है कि नहीं? हाँ हाँ हम सब जानते हैं।
भाई कार्रवाई तो बनती है। महिला पुलिस अधिकारी होते हुए एक महिला के साथ अपराध हो रहा था, आपने कोई कार्रवाई नहीं की है? अपराधी को आपने पकड़ा नहीं? अब इस सब सारे घटनाक्रम की जांच होगी और अगर आरोप सिद्ध हुआ तो आप सस्पेंड भी हो सकती है कि नहीं सर? हम सब जानते हैं। अरे जानता है तो पूछ का क्लियर है। और पहली बात, अगर तीखा लग रहा है ना तो खाने का नहीं। दूसरी बात, सब लोग हसीना मलिक के पीछे काहे के लिए पड़ गए रे? ड्यूटी के नाम पे ड्यूटी करती है ना, उसके बाद मैं वड़ा पाव बेचे या कथकली करे, तेरे को क्या फर्क पड़ता है? इतना काहे के लिए तुम लोग को मिर्ची भर रहा है? और देख, तेरे को बहुत ज्यादा जलस हो रहा है ना अगर मेरे से, तो तू भी मेरी रेकड़ी के बाजू में एक वो मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप लगा ले, दोनों साथ में मिलकर धंधा करेंगे और क्या। अरे इन्हें क्या हो गया है करिश्मा सिंह? अरे जब से इनकी याददाश्त गई है तब से इनका स्वभाव ही उग्र हो गया है। हाँ सर, हम भी नोटिस किया हूँ। हाँ सर, वो महिला सुरक्षा अभियान जो है उसमें काम कर रही हैं, तो सादी वर्दी में रहती है ताकि जो है वो गली के मनचले जो होते हैं ना उनको सबक सिखा सके, उनको लाइन पढ़ ला सके। और वड़ा पाव का क्या है, रेकड़ी इसलिए लगा दिए ताकि रात को जो महिलाओं को जो ये गली मोहल्ले के जो बेकार लड़के होते हैं वो छेड़ते हैं ना, उनसे बचा सके, इसलिए जो है वो अभी भी कैरेक्टर में है। चलिए भाई, ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, हम सब जानते हैं। अब वड़ा पाव का ठेला लगाती है तो हमें भी बुला लिया करिए कभी कभी, हम वड़ा पाव भी खा लेंगे और आपका काम भी देख लेंगे। हमारे लिए आपने वड़ा पाव लाया ही नहीं, बताइए। अरे टकले, मेरे हाथ का वड़ा पाव खाएगा ना, जिंदगी भर खाएगा और अपने पूरे डिपार्टमेंट को भी खिलाएगा। और हाँ, ये बालू को भी लेके आना। सर देखिए, कहाँ भद्र भाषा में बात कर रही है। करिश्मा जी आइए, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ चलना। आप नहीं, आप बैठिए, हमें इनसे बात करनी है, हम सब जानते हैं। चलिए आइए जाओ भाई। एक आइडिया आया। कौन सा? अरे तो बताओ ना यार, हमारा खुद का याददाश्त जाने के बाद बताएगा, बताओ कौन सा आइडिया है। एक ऐसा जड़ी बूटी है उसके खाने से 100% याददाश्त वापस आता है। शाबाश भी लोटे, शाबाश, तुम भाई है, जल्दी बताओ। पूरा का पूरा वनस्पति खंगाल लेंगे, संजीवनी पर्वत पर चले जाएंगे, लेकर खाली एड्रेस दे हमको, एड्रेस दे। वही याद नहीं। वेरी गुड। अरे रे नरक्का नरकंकाल, तुमको यहाँ पर मजाक सोच रहा है? तुमको मालूम है कितना ज्यादा प्रेशर है हम पर महिला पुलिस थाना पर? वहाँ पर DSP सर करिश्मा मैडम को हसीना मैडम के साथ बुलाए हुए हैं, तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं, संतु जी कुछ बता पाएंगे हमको? संतु, अरे हम सोचते हैं ना कुछ। हम पर किसी का विश्वास ही नहीं है, क्या करें याददाश्त के लिए? अब इसका सिर्फ एक ही उपाय है। अरे ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? हसीना मलिक जैसी जिम्मेदार और समझदार SHO ऐसी हरकत कर रही है? सर आप तो जानते हैं, उनका याददाश्त जो है वो कभी आ रहा है कभी जा रहा है, और इस हालात में ड्यूटी भी करना पड़ रहा है, तो थोड़ा समझ रहे ना। अरे सब पता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो मन में आया वो करेंगी। लाइसेंस नहीं मिल गया है, याददाश्त चला गया है, इसलिए पुलिस का इज्जत मिट्टी में मिलाने का उनको, ये सब बहाना है सर। सच बात तो ये है कि इनमें कायदा कानून का कोई सम्मान रहा ही नहीं है अभी। हम सब जानते हैं, अरे उन्होंने बताया ना अभी कि गली मोहल्ले के उचक्कों को पकड़ने के लिए उनका गुप्त अभियान है। अरे सब नौटंकी है सर, हम इतने टाइम से उस चपटा मार गिरोह के पीछे पड़े हैं, हम तो पकड़ नहीं पाए, ये लोग ये वड़ा पाव का थैला डाल के पकड़ लेंगे। साहब बकवास है सर। सर हमको तो कोनो गड़बड़ लग रहा है, हमको तो लग रहा है कि जो हसीना मलिक है वो हसीना मलिक है ही नहीं, कोनो डुप्लीकेट हमारे सामने खड़ा कर दिया है पूरा पुलिस विभाग के कान में आंख में सब जगह धूल झोंकने के लिए। का बात कर रहे हैं सर, ये देखिए आजकल तो भगवान ने भी डुप्लीकेट बनाना बंद कर दिया है, कौन से 70 के जमाने का बात कर रहे हैं आप? अगर हमने साबित कर दिया कि तोहरी जो हसीना मलिक है उसमें झोल है तो मान जाएंगे आप महान है और हम चुरन, शाम को देखते हैं। ठीक है, तब तो बिल्कुल सही है, हम सब जानते हैं। अरे भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, शाम को पता चल ही जाएगा कि महिला पुलिस थाने वाले का तीर मारने वाले हैं और ये जो हसीना मलिक है उसमें का झोल है, और झोल है, है झोल है। तब तक आप हमारे साथ में रहेंगे का कि वरना आप उन्हें सतर्क कर देंगे। ये तो बड़ा मुसीबत हो गया अगर इनको ये पता चल गया कि हसीना मैडम नहीं उर्मिला है उनकी जगह, तो महिला थाना बहुत बड़ा मुसीबत में फंस जाएगा।